नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, आइए बैठिए। डॉक्टर मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। हाँ बताइए, क्या बात करनी है? डॉक्टर बात यह है कि मैं अपनी बीवी को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं या मेंटली नहीं कर पा रहे हैं? जी फिजिकली। फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे अपनी वाइफ के साथ में इंटरकोस्ट करते हैं? उसे बस नॉर्मल तरीके से करता हूँ, जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ आपस में करते हैं। उसके बाद जो भी मैं उसको टाइम देता हूँ तो उसके बाद मेरी बीवी जो है मुझसे हमेशा नाराज रहती है, मतलब अजीब सा बिहेव करती है वो मेरे साथ। आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि कभी आखिर ऐसा क्यों होता है कि उनका मूड हमेशा उखड़ा हुआ रहता है? ऐसी कौन सी आप में कमी है, संतुष्ट नहीं हो पा रही है, प्रॉपर वे में आपके साथ संभोग नहीं कर पा रही है? देखिए आप कितना टाइम उन्हें दे रहे हैं। आप अपनी वाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। जैसे कि एक औरत होती है तो लड़कों के प्रति अंदर से ज़्यादा सेक्स होता है उनके अंदर, तो क्या आप सेक्स पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं? जी आई थिंक सही है, मुझसे कभी प्यार से बोलती रही है तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है। एक तो ये होता है कि जैसे हम हस्बैंड वाइफ होते हैं तो एक दूसरे में इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे से पहले स्टार्टिंग करते हैं। जी बिल्कुल। या हम बहुत प्यार से एक दूसरे औरत के साथ एंजॉय करने के लिए आकर्षित होते हैं। जी अपनी तरफ से एक औरत को किस तरह से आप आगोश में लेने के लिए आपको जैसे पता चलेगा? अच्छा डॉक्टर एक बात बताइए कि मैं रोज एवरीडे सेक्स करता हूँ और रोजाना सेक्स करता हूँ डेली, तो इसके लिए मुझे कुछ अलग से खान पान की जरूरत है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेक्स अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको खाना कुछ अलग से चाहिए, अलग से कुछ ऐसा विटामिन लेना है जो कुछ नहीं है। ओके ओके। अगर देखा जाए तो एक हेल्दी और गुड सेक्स के लिए आपको हफ्ते में 2 या 3 बार ही सेक्स करना चाहिए। आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा और आप अपने आप को और अपनी वाइफ को अच्छे से संतुष्ट कर पाएंगे। जब हम दोनों सेक्स करने की शुरुआत करते हैं तो सेक्स करने से पहले हम दोनों को क्या करना चाहिए, मतलब हम कैसे इन्वॉल्व हो जाए दोनों की, हम दोनों सेटिस्फाइड हो जाए? देखिए जब तक आप अपनी वाइफ के साथ में अच्छी तरह से फोरप्ले नहीं करेंगे तो वो संतुष्ट नहीं होगी। क्या औरत के साथ सो जाना ही उसे संतुष्ट करना है? नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होइए, एक दूसरे को समय दीजिए। एक दूसरे के साथ सेक्स करने से पहले उसकी बॉडी को पूरी तरह सहलाइए, उसके बालों में हाथ घुमाइए। उसके बालों से जितना आप खेलेंगे वो उतनी ही एक्साइटिंग होगी, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, उसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब एक औरत एक्साइटिंग होती है तो आप दोनों को एहसास होता है। कितना टाइम उसे दे पाना ठीक रहेगा? ये तो आप पर डिपेंड करता है कि जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं, प्यार करते हैं, प्यार में मोहब्बत की बातें करते हैं, अपना माइंड कहीं और ना डाइवर्ट करके, टाइम अगर आप एक दूसरे के साथ बिस्तर पर या माइंड फ्री होकर एक दूसरे का साथ देते हैं। कभी कभी अपनी वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, इसके लिए प्रॉपर हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो सिर्फ एक दूसरे के साथ ही होना चाहिए, एक दूसरे में इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके लिए आप जितना हो सके। मैडम ये भी हो सकता है कि हम दोनों अगर संतुष्ट नहीं हो पा रहे तो उसके लिए कोई हम मेडिसिन यूज़ करें? नहीं नहीं, मैं आपको मेडिसिन लेने के लिए नहीं बोलूँगी। आप उस टाइम में जो आपके लिए सही है वही आप कीजिए, जिस टाइम जितनी देर माइंड फ्री होकर आप उनके साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही मेडिसिन से आप इंटरकोस्ट करके हटोगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। आप कभी भी मेडिसिन लेकर आप अपनी वाइफ के साथ इंटरकोस्ट मत कीजिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद भी लिंग अगर डाउन नहीं होता है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मेडिसिन के लिए तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूँगी कि आप मेडिसिन लेके अपनी वाइफ के साथ इंटरकोस्ट करें। तो मान लीजिए अगर मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और मैं बाहर चला जाता हूँ, 8-10 दिन के लिए बिल्कुल बाहर चला जाता हूँ, तो क्या ये भी हो सकता है कि मेरी वाइफ का इंटरैक्शन किसी और के साथ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए एक तो हम जब खाना खाते हैं, जैसे हमारी बॉडी को नीड खाने की होती है, उसी तरह हमारे शरीर को भी नीड होती है सेक्स की। अगर आप लीजिए कि हफ्ता दिन 10 दिन बाहर हैं और वाइफ को नीड है, या आप खुद भी बाहर हैं आपको नीड हो सकती है, तो
कुछ उसका माइंड डिप्रेस हो सकता है क्योंकि उस वक्त आपकी आपकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप ज़्यादा वक्त बाहर ना गुजार के अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, अपनी वाइफ के साथ वक्त गुजारिए और फिर देखिए कि आपकी वाइफ और लाइफ दोनों ही खुश होंगे। ओके डॉक्टर, डॉक्टर आपने जो मुझे सलाह दी उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आपकी ये सारी बातें मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ। थैंक यू डॉक्टर सलाह देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके डॉक्टर।